Hey guys, welcome to Coding Gyan. The topic which we will study today is how to set up and install React.js on our local PC. And these are the steps which we have to follow. So let's start. The first step is that we have to install Node.js. Uske liye hum Node.js ki official website kholenge. Node.js.org. अब आप सोच रहे होगे कि आखिर हम Node.js को क्यों इंस्टॉल करते हैं। Node.js एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो आउटसाइड द ब्राउजर। प्लस हमें npm भी चाहिए, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, और वो अगर हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ npm भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है, वो पैकेजेस प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट या एंगुलर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जनरली प्रेफर करूंगी कि आप ये जो LTS वर्जन है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, इसको ही आप इंस्टॉल करो। अब मैं सब कुछ आपको स्टेप्स तो बता दूंगी कैसे करना है इंस्टॉल, बट मैं इंस्टॉल नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी लोकल मशीन पर ऑलरेडी देखिए फोल्डर क्रिएट हुआ है, मैंने Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर फाइल नेम आप देख सकते हैं सेव हो जाए, सेव करी मैंने। यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूल्स आ रहे हैं, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। और आप देख सकते हैं कि आपको लोकल मशीन पर कहाँ पर ये इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पर बस आपको इंस्टॉल पर जब आप क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि Node.js प्रॉपरली आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो Node.js का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है उसके अंदर Node.js कमांड प्रॉम्प्ट खोला और यहाँ पर कमांड दिया node-v। सो यहाँ पर वर्जन आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो गया है नोट का, जो इंस्टॉल्ड हो चुका है मतलब। अब सेकेंड स्टेप करेंगे React.js इंस्टॉलेशन के लिए। React apps क्रिएट करने के लिए हमें एक टूल इंस्टॉल करना होगा विच इज़ क्रिएट React app, जिसको हम ग्लोबल लेवल पर इंस्टॉल करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे, npm की हेल्प से, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर। सो यहाँ पर एक कमांड दिया npm install -g, यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्रिएट -react-app, और एंटर कर दिया। सो इसमें कुछ टाइम लगेगा। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट करें। उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, mkdr react project, और एंटर करा। और अब इसके अंदर नेविगेट कर लेंगे, cd react। यहाँ पर हमें कमांड देना होगा create-react-app, और जो आप अपने प्रोजेक्ट को नाम देना चाहते हो। सो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया react project 1 एंड एंटर कर दिया। सो अब कुछ देर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये फाइनली सारे स्टेप्स हो चुके हैं और ये इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सजेशंस भी आ रही हैं कि अगर हमें इस प्रोजेक्ट को जो हमने क्रिएट करा है इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो ये जो फोल्डर है उसके अंदर मैं क्या करूँगी, पहले नेविगेट कर जाऊँगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, cd-react-project1 एंटर करा, और अब स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को कमांड दिया npm स्टार्ट और एंटर कर दिया। सो आप देखिएगा कि लोकल होस्ट 3000 पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन करेगा। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा लोकल होस्ट 3000 पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर खोलेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि आखिर हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स जो इंस्टॉल हो चुकी हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। सो उसके लिए एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगी मैं, और यहाँ पर पहले नेविगेट कर जाएंगे उस फोल्डर के अंदर, React Project, और एडिटर को खोलने के लिए कोड
डॉट। सो वीएस कोड एडिटर खुल चुका है। अब मैं जैसे ही रिएक्ट प्रोजेक्ट वन के अंदर गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। ये पब्लिक फोल्डर है, ये SRC फोल्डर है, और सबसे पहले पैकेज डॉट JSON फाइल आपको दिखाऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज आपको दिख रही होंगी, रिएक्ट और रिएक्ट हाइफन डोम। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस कंटेंट होते हैं जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए चाहिए होते हैं, या आगे भी अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ शो होगा। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से आज सीख पाए कि कैसे हम रिएक्ट जेएस को अपने लोकल पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं, एक न्यू रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।